अच्छा सुनिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टडी रिलेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पार्ट टू एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप पार्ट टू का बुक खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई वो निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए है यामीन उद दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। बी है अमीन उल मिल्लत, इसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किस शासक के दरबार में रहे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक नया धर्म चलाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।